श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघुबर विमल यश जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमलम नाम जा सुकृपा निर्मल मति पामू पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदम सब लायक राजीव नैन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। भगवत कथा रसिक श्रोता वृंद और भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई उसमें गोस्वामी जी श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं, जो महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, जगत जननी हैं और करुणा निधान श्री राम भद्र की अतिशय प्रिया है, मैं उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करता हूं। जिन चरणों की कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है, जीव की बुद्धि निर्मल होती है, और फिर अगली पंक्तियों में वो श्री राम भद्र की वंदना करते हैं। मैं उन श्री राघव की वंदना करता हूं जिनमें समस्त गुण निवास करते हैं और धनुष बाण धारण किए हुए कमल लोचन श्री राम भक्तों की विपत्ति को दूर करते हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं और इसके पश्चात वे कहते हैं कि तत्वतः तो श्री सीता जी और भगवान श्री राम दो नहीं, एक ही, पर जब उनका वर्णन किया जाता है तो उस अभिन्न को भिन्न रूप में हम वर्णन करते वर्णन किया जाता है, और वो जो अभिन्न होते हुए भी भिन्न है वाणी और अर्थ की तरह, जल और तरंगों की तरह, उन प्रभु की वंदना करता हूं जिन्हें खिन्न अत्यंत प्रिय। तो वस्तुतः तत्वतः तो दोनों ही अभिन्न हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं, पर उस अभिन्न को जब उनका वर्णन भिन्न के रूप में किया गया तो उसका तात्पर्य क्या है, और भिन्न रूप में ही वर्णन नहीं किया गया तो ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों का वर्णन भिन्न रूप में करते हुए भगवान श्री राम और श्री जानकी जी के मिलन का, विवाह का वर्णन करते तो रामराज जी की स्थापना का वर्णन हो जाता, पर जनकपुर में यदि संयोग का वर्णन है तो भगवान श्री राम के चरित्र में उस पक्ष का भी वर्णन किया गया कि जब श्री सीता जी से उनका वियोग हुआ तो जिस अद्वैत तत्व में न संयोग है और न तो वियोग है, वो स्वामी जी यही वाक्य कहते हैं
वो स्वामी जी ने लिखा श्री राम श्री सीता जी के लिए व्याकुल होकर के जब विलाप करते हुए वन में उन्हें खोजते दिखाई दे रहे तो ये वाक्य कहे बिना वे नहीं रह पाए कि कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिस ईश्वर में न तो संयोग है न वियोग है उनमें हम प्रत्यक्ष रूप से दुख का साक्षात्कार कर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो संयोग और वियोग का वर्णन है उसका उद्देश्य क्या है? और अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो उन दोनों भगवान की जो संयोग लीला है उसमें जो आनंद की पराकाष्ठा है, सुख की पराकाष्ठा है, और वियोग की वह लीला जिसमें दुख की पराकाष्ठा है, कई जो दो पक्षों का वर्णन किया गया है, आइए उसके अंतरंग में बैठ करके इसका क्या उद्देश्य है इसे यत्किंचित अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल कहने समझने की चेष्टा करें। तो ये जो पंक्ति है जिसमें श्री किशोरी जी की वंदना की गई, कोश में एक सूत्र दिया गया, वे हैं तो जगत जननी किंतु इतना होते हुए भी वे महाराज श्री जनक की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, और करुणानिधान श्री राम की अतिशय प्रिया तो वो शाश्वत रूप से ही है। अब इन तीनों ये जो इस पंक्ति में ये तीन संकेत किए गए हैं इनका अद्भुत समन्वय आपको मिलेगा पुष्पवाटिका प्रसंग में। रामचरित मानस में जो पुष्पवाटिका प्रसंग है वो हर दृष्टि से अद्भुत है, अनोखा है, अनुपम। प्रसंग की जहां तक घटना उत्प्रसंग में उसका प्रसंग जो घटनाक्रम है वो आपको सबको भली भांति ज्ञात है। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर में पधारे हुए हैं, और भगवान श्री राम जब प्रातः काल होता है रात्रि के विश्राम के बाद तो गुरुदेव की आज्ञा से वे पुष्प लेने के लिए महाराज श्री जनक की वाटिका में जाते हैं। महाराज श्री जनक का जो विलक्षण बाग है वहां प्रभु लक्ष्मण के साथ जाते हैं, वन की शोभा का दर्शन करते हैं, और उसी समय श्री सीता जी भी मां सुनैना की आज्ञा से देवी पार्वती जी का पूजन करने के लिए वहां आती हैं। इस वाटिका में भगवती पार्वती का मंदिर था। मां सुनैना ने श्री सीता जी को श्री किशोरी जी को यह आदेश दिया कि वे जाकर के पार्वती जी का भगवती पार्वती का पूजन करें, और श्री सीता जी वहां आती हैं सखियों के साथ, सरोवर में स्नान करती हैं, पार्वती जी के मंदिर में जाकर के बड़े अनुराग भरे हृदय से पूजा करती हैं, और इसी अंतराल में जब भगवान श्री राम फूल चुन रहे थे तो एक सखी जो उस पूजन में सम्मिलित नहीं हुई थी वह वाटिका में जाती है और वहां इन दोनों राजकुमारों का दर्शन करती है, विवल हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है, और बड़ी विलक्षण स्थिति में जबकि उसके दोनों आंखों से आंसुओं का प्रवाह हो रहा है का वह वहां आती है जहां पर श्री किशोरी जी पार्वती जी का पूजन कर चुके हैं, और वहीं पर सखी के द्वारा सूचना प्राप्त होती है, जनक नंदिनी के हृदय में उत्कंठा जागृत होती है, वे श्री राघव के दर्शन के लिए सखियों के साथ चल पड़ती हैं, वाटिका में चारों ओर उन्हें खोजती हैं, और अंत में लता कुंज की ओट में
श्री राम भद्र का दर्शन हुआ और उसके पश्चात दोनों के अंतर हृदय में भगवान श्री राम तो जिस समय जनक नंदिनी प्रभु के अन्वेषण के लिए चली उस समय उनके आभूषण की ध्वनि सुन करके ही एक विभिन्न रस में डूब गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा भी कि ऐसा लगता है कि कामदेव बाजा बजाता हुआ वाद्य बजाता हुआ विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। और इसके पश्चात भगवान श्री राम की दशा, श्री सीता जी की दशा और उसके पश्चात प्रभु का लौट कर गुरुदेव के पास आना, कर श्री सीता जी का वहां से पार्वती जी के मंदिर में पुनः जाती हैं और वहां से आशीर्वाद प्राप्त करके वे राजमहल की ओर लौटती हैं और प्रभु पुष्प अर्पित करते हैं गुरुदेव के समक्ष। उस स्थिति का और अपनी मनस्थिति का पूरा वर्णन करते हैं और गुरुदेव भी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो प्रसंग के रूप में जो कथानक है वो तो बहुत विस्तृत नहीं, पर उसमें तो एक एक पंक्ति इतनी अनोखी है कि आप उसमें वेदांत का तत्व, आप उसमें भक्ति की पराकाष्ठा, उसमें कर्म की समस्या का समाधान और जिसे शरणागति कहते हैं उसका भी विलक्षण रूप आपको प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि आपके सामने जो बात रखी जा रही है आप उसे एकाग्रता से सुनेंगे। भगवान श्री राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी के ग्रंथ में श्री राम की मर्यादाओं का वर्णन किया गया है। अब एक बहुत बड़ी विलक्षण समस्या यह है कि मर्यादा की दृष्टि से महाराज श्री जनक की प्रतिज्ञा यह है कि शंकर जी के प्रख्यात धनुष को जो तोड़ेगा उसी का वर्ण मेरी कन्या करेगी। और इस दृष्टि से यदि देखें तो धनुष टूटने के पहले ही भगवान श्री राम यदि जनक नंदिनी की ओर आकृष्ट होते हैं तो भी कुछ विचित्र सा लगता है। और उस विचित्रता का अनुभव स्वयं भगवान राम ने भी किया। भगवान राम ने जब श्री सीता जी के सौंदर्य को देखा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे आज मैं कुछ अपनी मर्यादाओं से हटा हुआ सा प्रतीत हो रहा हूं। और उन्होंने लक्ष्मण से प्रश्न किया कि आज तक इस मनस्थिति का अनुभव मैंने नहीं किया था जैसा आज कर रहा हूं। और फिर श्री सीता जी के सामने भी यही प्रश्न है कि धनुष टूटने के पहले ही अगर भगवान श्री राम के प्रति उनके मन में अनुराग का वर्णन किया गया तो अब बहुत स्थूल दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि ये तो कुछ मर्यादा का अतिक्रमण है। किंतु उसे गोस्वामी जी ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है वो तो बड़ा ही अद्भुत है, दिव्य। और वो ये है कि मर्यादा भी जीवन का एक पक्ष है, लेकिन मर्यादा का अर्थ साधारणतया व्यक्ति जैसा मान बैठा है का रामचरित मानस में मर्यादा का वह अर्थ नहीं। और उसको इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि जैसे धर्म की एक मर्यादा होती है उसी प्रकार से प्रेम की कोई मर्यादा है कि नहीं। क्यों इस दृष्टि से विचार करके देखें कि जो व्याकरण शास्त्र है एक प्रकार से शब्द को मर्यादित करता है तो वो व्यक्ति को बताता है कि कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, किस वाक्य को कैसे बोले तो वो शुद्ध है नहीं तो अशुद्ध है। तो व्याकरण शास्त्र मानो शब्द को मर्यादा देता है और उसी के द्वारा सारे शास्त्रों का ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं। किंतु
यह व्याकरण शास्त्र की मर्यादा क्या ऐसी है कि उसका उल्लंघन कभी नहीं होता, यह नहीं होना चाहिए? और उसका उत्तर आपको यही तो मिलेगा कि जब आप अपने नन्हे बच्चे से बात करते हैं जिसको न तो व्याकरण का ज्ञान है, न उसको शब्द रचना का ज्ञान है, और वह जब तोतली भाषा में कोई शब्द कहता है, कोई वाक्य कहता है, तो क्या मर्यादा का पक्ष यही है कि व्याकरण का अध्यापक या व्याकरण का ज्ञान रखने वाला उस बच्चे को डांटने फटकारने लगे कि तू इतना अशुद्ध वाक्य बोल रहा है? अगर वो ऐसा करता है तो वैयाकरण होगा, पर पिता तो नहीं है। वो वैयाकरण भी है, पिता भी है, और वो जैसे एक शब्द की मर्यादा है उसी प्रकार से वात्सल्य की अपनी मर्यादा, वात्सल्य का अपना ढंग है। और इसीलिए भगवान राम का वाक्य तो श्री रामचरितमानस में ही, क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यक्ति उसके मुंह से आप ऐसा शब्द चुने सुने जो लगे कि उच्चारण में तो ये अशुद्ध है, तो आपको शायद हंसी आवे, हंसी को आप रोक लें। पर बच्चा जब तुतला करके बोलता है तो उसका विलक्षण आनंद ये है कि न केवल माता पिता प्रसन्न होते हैं बल्कि उस बच्चे से बात करने के लिए स्वयं भी तुतलाने लगते हैं। जैसे बच्चा शब्द बोल रहा है, मां भी कभी कभी आनंद लेने के लिए जब वो तुतलाने का साभिनय करती है, पिता उस समय उसी भाषा में उससे बात करने लगता है। तो यह व्याकरण की मर्यादा के अनुकूल भले ही न, पर वात्सल्य और प्रेम की जो विलक्षण रसानुभूति है वो तो उसके बिना संभव ही नहीं। और इसीलिए भगवान राम कहते हैं, जो बालक कह तोतरी बाता तो सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। और इस दृष्टि से विचार करके देखें तो ठीक है, धर्म की एक मर्यादा है और वह मर्यादा, उसकी मर्यादा का अभिप्राय यह है कि कस्त्री सीता जी एक पुत्री हैं और महाराज श्री जनक ने यदि प्रतिज्ञा की है तो उस प्रतिज्ञा के पालन के बाद मानो मर्यादा की का स्वरूप तो यही हुआ कि वो धनुष कोई भी क्यों न तोड़ दे, वह जयमाल उनको तो उसी के गले में डालना है। और यदि धनुष तोड़ने के बाद वे गले में जयमाल डालें तो ऐसा लगेगा कि मर्यादा का एक स्वरूप है। किंतु ये जो प्रीति का पक्ष है जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जब प्रतिज्ञा की पूर्ति के बाद कन्या किसी को पति रूप में स्वीकार करती है तो उसमें तो केंद्र में बुद्धि ही होगी, ये मर्यादा है, मर्यादा की पूर्ति हुई, और मर्यादा की पूर्ति हुई तो मैं उसके अनुकूल स्वीकार करती हूं। और ये भी होता ही है कि उसके पश्चात प्रारंभ में मर्यादा के माध्यम से बुद्धि के माध्यम से विवाह संपन्न हो, और उसके बाद दोनों निकट रहते रहते दोनों के हृदय में परस्पर अनुराग भी उत्पन्न होता है, स्नेह भी उत्पन्न हो जाता है। पर ये जो स्नेह है कैसे हम बुद्धि के माध्यम से जीवन में आया हुआ अनुराग ही कहेंगे, इसे हम सहज स्नेह की संज्ञा नहीं दे सकते। गोस्वामी जी ने प्रेम के ये दो रूप प्रस्तुत किए हैं रामचरितमानस में। एक तो ये है कि जिसमें साधना के द्वारा व्यक्ति जो है किसी के प्रति, जब भक्त लोग कहते हैं, कोई पूछता है भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम कैसे उत्पन्न हो, तो महात्मा या गुरु बता देते हैं भगवान के मंत्र का जप करो, रामायण का पाठ करो, ऐसे ध्यान करो तो प्रेम उत्पन्न होगा। लक्ष्मण जी ने एक दिन भगवान राम से पूछ दिया, महाराज आज आप ऐसी कृपा करके ऐसा उपदेश दीजिए कि हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में प्रेम करने लगे। प्रभु मन ही मन बड़े हंसे, लक्ष्मण ये कहें कि सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में प्रेम करने लगे,
विचित्र सा प्रतीत होता है। क्या अभी लक्ष्मण को कुछ छोड़ना बाकी है क्या? कौवे तो संसार की कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है कि जिसको उन्होंने छोड़ना दिया हो। और श्री राम के प्रति प्रेम इतना अधिक है, अनुराग इतना अधिक है कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि छिन छिन लखी सिय राम पद। इतने वर्षों तक रहे और उनकी दृष्टि सर्वदा या तो श्री सीता जी के चरणों की ओर या श्री राम के चरणों की ओर। और छिन छिन लखी सिय राम पद और जान आप पर नेह करतन सपन हूं लखन चित बंधु महतु पितुगे। जागृत अवस्था की तो बात क्या है, स्वप्न में भी उन्हें माता पिता किसी व्यक्ति की स्मृति नहीं आई, बल्कि इसे तो मानो कहावत के रूप में कह दिया गया कि सपने में ही नहीं। अब जो सोया ही नहीं तो सोया नहीं तो सपने का प्रश्न ही नहीं है। अब इतना बड़ा अनुराग जिसके हृदय में हो और जिसने सर्वत्याग कर दिया हो भगवान राम से, जब वो ये प्रार्थना करे कि मोहि समझाई कहो सोई देवा सब तदि करो चरण रज सेवा, तो प्रभु ने भी उतना ही विनोद भरा उत्तर दिया। इसका अभिप्राय कि एक व्यक्ति कहीं जाना चाहता हो और किसी से पूछे कि मार्ग क्या है तो प्रश्न ठीक है और उसको उत्तर भी दिया जा सकता है, और एक व्यक्ति जहां पहुंचना चाहता है वहीं पहुंचा हुआ हो, वहीं निरंतर निवास करता हो और प्रश्न किसी से कर दे कि वो यहां तक पहुंचने का क्या मार्ग है, तो अब क्या कहा जाए। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा अच्छा अगर तुम ये अनुराग ही चाहते हो, तो उसमें प्रभु ने जो वाक्य कहा उसमें लक्ष्मण की थोड़ी मीठी चुटकी भी ली गई। उन्होंने प्रारंभ में यही से किया, तो मेरे चरणों में अनुराग की पद्धति तो यही है कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, ब्राह्मण के चरणों में सबसे पहले अनुराग होना चाहिए। अब यो साधन परंपरा में इसे महत्व दिया गया, पर मानो इसमें व्यंग भी है कि अब लक्ष्मण को तो एक ही महान महानतम ब्राह्मण मिले परशुराम जी, और उनसे उनका जो नाता था वो विप्र चरण अति प्रीति वाला तो नाता था ही नहीं। पर प्रभु ने यहीं से प्रारंभ किया, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और फिर बोले निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। शास्त्रों ने जैसा वर्णन किया वैसे धर्म का पालन करें। अभी भी लक्ष्मण जी इसे अस्वीकार कर चुके, भगवान पहले उनको वन के पहले उपदेश दे चुके हैं कर्तव्य का पालन करो धर्म का पालन करो, और लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया कि आपका उपदेश बहुत अच्छा है, पर मेरी समस्या ये है कि आपका उपदेश अच्छा होते हुए भी जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसके लिए किसी काम का नहीं। क्यों? बोले धर्म नीति उपदेशीयता ही कीर्ति सुगति भूति प्रिय जाहि। जिन्हें कीर्ति अच्छी लगती हो, संपत्ति अच्छी लगती हो, सदगति जिनको चाहिए उनको ही आप उपदेश दीजिए, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। पर प्रभु जब उन्हीं बातों को दोहराते हैं जिनका लक्ष्मण जी में अभाव है, तो मानो इसका अभिप्राय यह है कि अब जब तुम सहज प्रेम होते हुए भी मार्ग और साधना की बात करोगे तो भाई साधना का पथ तो यही निज निज धर्म निरत श्रुति रीति और तेई कर फल पुण्य विषय विरागा। जब कोई व्यक्ति विद्वान गुरु के चरणों में अनुराग करेगा और उसके पश्चात अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेगा तो उसका विषयों में वैराग्य होगा और तब मम चरण उपज अनुराग, और उसके पश्चात मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही मम लीला रति अति मन माही संत चरण पंकज अति प्रेमा मन क्रम वचन भगत दृढ़ नेमा। यही है भक्ति साधना का स्वरूप। किंतु भक्ति साधना का यह स्वरूप तो उन लोगों के लिए है जिनमें भक्ति नहीं है, चाहते हैं कि भक्ति का उदय हो, हृदय में प्रेम नहीं, किंतु
वे चाहते हैं कि उनके मन में ये बात उन्होंने सुना होगा सत्संग में कि भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, और वे चाहते हैं, पूछते हैं कि भगवान में कैसे प्रेम। किंतु जिसको रामचरितमानस में बार बार कुछ प्रसंगों में, जैसे श्री भरत के लिए जब आया कि जब चित्रकूट की यात्रा में जो चित्रकूट वासी ऋषि मुनि हैं, अन्य लोग हैं, दर्शन करते हैं, तो गोस्वामी लिखा कि सिद्ध और साधक भी जो हैं वो भरत जी की सराहना कर रहे हैं। किस बात की सराहना कर रहे हैं? तो वहां पर जो शब्द है वो सूत्र में है कि निरख सिद्ध साधक अनुरागे और सहज स्नेह सराहन लागे। मानो साधकों को ये लग रहा है कि जिस साधन को, जिस हम स्नेह को पाने के लिए साधन कर रहे हैं, और सिद्धों को लग रहा है कि बड़े प्रयत्नों के बाद हमने जो स्नेह का एक किंचित बिंदु पाया है भरत के जीवन में, तो वो सहज रूप में ही विद्यमान है। और उसका सीधा सा तात्पर्य कि भाई गोस्वामी जी ने कहा भी ये कि आप ये तो पूछते हैं जाकर के किसी भी महात्मा से भगवान में कैसे प्रेम, पर कोई जाकर क्या पूछता है कि पत्नी में कैसे प्रेम हो, बच्चे में कैसे प्रेम हो, या हम कौन सा जप करें कि पत्नी की याद आती रहे, कौन सी माला पर जप करें कि जिससे बच्चे की याद आती रहे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। और उसका अर्थ यह है कि इन संबंधों के प्रति तो हमारे मन में सहज ही जो है वो, इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान से प्रार्थना करते हैं, राम कवहु प्रिय लागी हो जैसे नीर मीनुक, मछली में जल के प्रति जो प्रेम है वो किसी ही साधना का परिणाम नहीं, वो तो उसका सहज स्वभाव है। वो किसी तरह से मैं मुझमें व्याकुलता आवे जल से अलग हो करके, ऐसी उसने कोई साधना नहीं की है। तो मानो जिसको सहज प्रेम कहते हैं, ये रामायण में सर्वोत्कृष्ट स्थित है। किसी भी पथ में जो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है वो सहजता, चाहे वो धर्म हो, एक तो बुद्धिपूर्वक धर्म का पालन, और एक ऐसा व्यक्ति है कि जो प्रयत्न करके धर्म का पालन नहीं करता, उसका स्वभाव भी जो है वो जो भी करता है वो सहज रूप से धर्म का ही पालन होता है। इस स्थिति में अब गोस्वामी जी के सामने जो एक स्थिति है, और उसका समाधान देने के लिए जिस तरह से उन्होंने सीता जी और भगवान राम के इस चरित्र को प्रस्तुत किया, और ये कितना अनोखा गोस्वामी जी ने कठिन कार्य पुष्प वाटिका में संपन्न किया। अगर ये कहें कि श्री सीता जी के मन में धनुष तोड़ने के बाद उन्होंने भगवान को, श्री राम को जयमाल पहनाया, और बाद में भगवान राम के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो साधक के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या ये उत्कृष्टतम जो प्रेम का सहज स्वरूप है, क्या उसे स्वीकार किया जा सकता है? और यदि धनुष टूटने से पहले ही वे ये, जैसा कि वर्णन किया गया कि श्री सीता जी और भगवान राम परस्पर एक दूसरे को देख करके मुग्ध हो जाते, मन से एक दूसरे के प्रति इतना अनुराग, इतना स्नेह, विस्मृति हो जाती है शरीर की। अब यह जो विस्मृति है, ये उसका अभिप्राय है कि ये जो प्रीति है कि ये साधना का परिणाम नहीं है, ये तो सहज ही है। अब इन दोनों के सामंजस्य को गोस्वामी जी अनोखे रूप से पूरा करते हैं। क्या आप उस क्रम पर दृष्टि डालिए, उस वाटिका प्रसंग एक और साधकों के लिए महान उपदेश उपादेय प्रसंग है। वह भी जो बात सूत्र के रूप में कही जा रही थी, एक जब दो बने, अभिन्न जब भिन्न बने, तो भिन्न बन करके उनका उद्देश्य क्या था? और इसका सूत्र यह है कि एक प्रसंग ऐसा है जब संयोग के प्रसंग का वर्णन करते हैं उस वाटिका में, वहां पर आपको दिखाई देता है कि भगवान श्री सीता जी श्री राम को ढूंढ रहे हैं,
अंत में उन्होंने श्री राम को ढूंढते हुए पाया। और वियोग के प्रसंग में आप ये पाएंगे कि भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और बड़े प्रयत्न के बाद फिर कहीं श्री सीता जी और भगवान राम का मिलन हुआ। अब इन दोनों प्रसंगों में जो साधना का तत्व है, साधना के तत्व का अभिप्राय कि जैसे एक मां जब किसी बच्चे की उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखाती है तो स्वाभाविक है जिस स्वाभाविक गति से वो चलती है अपने बच्चे को उंगली से उठा करके चलते समय वो उस गति का प्रयोग तो नहीं करेगी कि उतनी शीघ्रता से चलने लगे, वो तो उंगली पकड़ाए हुए बच्चे के साथ उसी तरह से चलेगी कि जिससे बालक चलना भी सीख जाए और गिरे नहीं। यही श्री सीता जी कौन है? बोले जग जननी, जगत जननी है सीता। और उन्होंने मानो संसार के जो समस्त साधक हैं उन साधकों के जीवन में जो भगवान को पाना चाहते हैं उनको वे उंगली पकड़ करके चलना सिखा रहे हैं। अगर भगवान को खोजना हो, भगवान को पाना हो तो उसके लिए किस साधना पद्धति का आश्रय लेना चाहिए? दो अनोखी धाराएं पुष्पवाटिका में चल रही हैं, एक ओर साधना और मर्यादा का पक्ष और दूसरी ओर सहज प्रेम और दिव्य अनुराग का पक्ष। अब साधना के संदर्भ में अगर विचार करके देखें तो यूं कह सकते हैं कि यदि ईश्वर को पाने की आकांक्षा हो तो ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को किस का आश्रय लेना चाहिए? और तब गोस्वामी जी सूत्र देते हैं। पार्वती जी का मंदिर है और उस मंदिर में श्री किशोरी जी आती हैं मां की आज्ञा से पूजन करने के लिए। और ये जो बाग है इसमें एक विलक्षणता का भगवान श्री राम इस पुष्प वाटिका में शरद ऋतु में गए थे, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि उस वाटिका को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि यहां शरद ऋतु है। भगवान राम ने जो उस बाग को आकर के देखा तो आप पहली पंक्ति पाते हैं, भूप बाग बर देखे उजाई और जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। शरद ऋतु में बसंत का सारा वातावरण है और तब गोस्वामी जी ने कहा लगता है कि यहां पर बसंत ऋतु लुभा करके रह गई। अब सूत्र वही है, भगवान राम तो जनकपुर के महल में ठहरे हुए पर श्री सीता जी श्री राम को जहां जहां उनका दर्शन करती हैं, अनुराग का प्रसंग लिखा गया वो बाग है महल नहीं। और वह बाग वह है कि जहां पर बारहों महीना बसंत है। अब मानो ये संसार के जीवों को माने एक सूत्र दे दिया कि अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम बाग में जाएं। और ये बात क्या है वो स्वामी जी प्रारंभ कर चुके हैं, संत सभा चहुदिशी अमराई। संतों का जो समाज है वही मानो विशाल बाग है। और जब ये कहा गया कि बारहों महीने बसंत है तो संत समाज में हम कल्याण संतों के निकट बहुत से लोग जाते पर सभी का कल्याण नहीं होता। और इसका उत्तर यही है कि किसी व्यक्ति ने यदि यह सुना हो कि आम की वाटिका में आम का जो फल लगता है वो बड़ा मधुर होता है और कहीं वो पतझड़ की ऋतु में आम की वाटिका में चला जाए या अन्य किसी ऋतु में चला जाए तो वहां तो कुछ नहीं दिखाई देगा, एक भी फल नहीं दिखाई देगा। और पतझड़ में चला गया तो फल क्या दिखाई देगा, वो तो पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे। वो स्वामी जी ने कहा कि भाई आम की वाटिका में फल तो बड़े मधुर लगते हैं पर उसका एक क्रम है, पहले बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु के बाद फिर उस आम में बौर लगता है, बौर लगने के बाद फिर फल बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फल पकता है और तब कहीं जाकर के उसका मीठा रस मिलता है। तो गोस्वामी जी ने जहां पर संत समाज का वर्णन बाग के रूप में किया
वहां उन्होंने कहा संत सभा चौदिश अमराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। श्रद्धा ऋतु ही बसंत है। और फिर बौर लगा, फल लगा, रस हुआ, कब बोले समजम नियम। संत के पास गए तो ये जब कहा गया कि श्रद्धा ऋतु बसंत, तो इसका अभिप्राय यह है कि कुतर्क की आंधी लेके पतझड़ लेके पहुंच गए तो संत से कुछ मिलने वाला नहीं। श्रद्धा का वसंत लेके जाइए। पर जब गोस्वामी जी ने कहा कि जिस वाटिका में श्री सीता जी ने भगवान राम को देखा वो 12 महीने वसंत रहता है, तो कितनी बड़ी बात कह दी गई। क्या बोले, संसार की वाटिका में तो 2 महीने वाले वसंत से काम चल सकता है, पर संतों के प्रति 2 मासी श्रद्धा नहीं चाहिए, 12 मासी श्रद्धा चाहिए। ये नहीं कि आज बड़ी श्रद्धा है और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद श्रद्धा नहीं रही, और उसके पश्चात संत जैसा बतावे ये नियम लो, ऐसा करो वैसा करो। ऐसा जब किया तो गोस्वामी जी कहते कि हाँ अब बौर लग गया। और उसका जब वो बढ़ेगा तो किस रूप में, बोले समजम नियम फूल फल ज्ञाना। कैसे साधना के परिणाम स्वरूप जब ज्ञान अंतःकरण में ज्ञान का उदय हो तो मानो आम के वृक्ष में फल लग गया। और उसके बाद पक करके रस कब मिलेगा, बोले हरि पद रति रस वेद बखान। साधना किया सत्कर्म किया तो मानो बौर लगा, ज्ञान आया तो मानो फल लगा, और भक्ति आ गई तो मिठास रस का उदय हो गया। अब संकेत यह है कि राजमहल में नहीं अन्यत्र नहीं, अगर श्री राम को पाना है और सही अर्थों में पाना है, स्थान का महत्व तो साधारण नहीं होता। अब कहेंगे इसमें क्या अंतर हुआ, चाहे यहां दर्शन करें चाहे वहां दर्शन करें। पर वो श्री राधा रानी का वो श्लोक आपने सुना होगा, द्वारिका में श्याम सुंदर विराजमान, बाद में सूर्य ग्रहण के प्रसंग में प्रभु श्याम सुंदर पधारे कुरुक्षेत्र में, और उधर से गोपियां भी आई, श्री राधा रानी भी आई, और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन भी हुआ। जब श्री राधा रानी लौट करके आई तो सखियों ने पूछा, इतने दिनों के बाद मिलन हुआ आपको कैसा लगा? तो उस समय श्री राधा रानी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा ही मधुर उत्तर था। उन्होंने कहा, प्रिय स्वयं कृष्ण सखियों और सहचरी कुरुक्षेत्र मिलिता और तदानीम सा राधा, वही कृष्ण थे और वही मैं राधा थी, और तदिदम भयो संगम सुखम, और हम दोनों का मिलन भी हुआ, लेकिन तब फिर क्या कमी रह गई। उन्होंने कहा, तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहति। पर मेरा मन तो आज भी वृंदावन में वंशी बजाते हुए कृष्ण की याद में डूबा हुआ है, वो आनंद तो आज नहीं आया। उसका अभिप्राय क्या, भगवान भी वही, श्री राधा रानी भी हुई, पर वो यमुना की धारा, वो वृंदावन की दिव्य प्रेममयी भूमि और वहां का जो वंशी नाद है, उसके अभाव में उनको लगता है कि नहीं नहीं बहुत रिक्तता रह गई, अभाव रह गया। तो वस्तुतः भूमि की तो बड़ी महिमा, वातावरण की बड़ी महिमा, और इसीलिए तो वृंदावन के रसिक संतों में से एक संत ने तो यहां तक कह दिया, भगवान का दर्शन करो पर कहां। उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा, रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदावन को देखो, वृंदावन को देखें कि भगवान को देखें। और तब बड़ी अनोखी बात उन्होंने कह दिया, रे मन वृंदा विपिन निहार और विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। वृंदावन से बाहर कृष्ण भी दिखाई दे तो मत देखो। और अनेक ऐसे भक्त हैं जिनके जिन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि ब्रज की भूमि से भगवान कभी बाहर जाते, उन्हें उन्हें कृष्ण को देखना भी है तो वृंदावन में ही देखना है। उनको कुंभन दास द्वारिका मथुरा
इनसो कहां है काम हमारो मुरली वालों श्याम। इस द्वारिका और मथुरा से हमारे क्या लेना है, हमारा श्याम तो वंशी वाला श्याम। उसका अभिप्राय ही यही है कि अब एक मर्यादा की भूमि हो, राजमहल का एक अपना अपनी मर्यादा है, वहां दीवारें हैं, वहां खिड़कियां हैं, उनकी भी आवश्यकता है जीवन में, पर वो जो दिव्य अनुराग का आनंद है वह तो किसी मर्यादित सीमा में घिर करके तो नहीं मिलेगा। उसके लिए तो वहां से हट करके अब इस पुष्प वाटिका में गोस्वामी जी ने तो अद्भुत रूप में वाटिका है, बाग है और फिर वन है, तो जैसे वृंदावन वन है उसी प्रकार से चित्रकूट वन है। अब चित्रकूट में जो दिव्य परमानंद की अनुभूति होती है वह अन्यत्र नहीं होती, शिवध में भी नहीं होती है। श्री राधा रानी को जिस दिव्य रस का अनुभव वृंदावन में होता है वह अन्यत्र नहीं होता है। तो मानो संकेत यही है कि भाई भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति के लिए भी वह वातावरण तो चाहिए। देश, काल, व्यक्ति, इनमें पूरी तदाकारता हो, तन्मयता हो, एक रूपता हो, परस्पर विरोधाभास न हो, तो आनंद की जो वृद्धि होती है वो तो अनुभव की वस्तु है। और इसलिए भगवान श्री राम आए, जनकपुर में पधारे। जनकपुर स्वभावतः वह तो भाव भूमि है, रसमयी भूमि है। वहां भगवान श्री राम नगर दर्शन के लिए भी गए थे और नगर दर्शन में भी जनकपुरवासियों ने तो दर्शन किया ही, जनकपुरवासिनी स्त्रियों ने भी दर्शन किया, पर दर्शन की तो एक सीमा थी और वो सीमा यही थी कि श्री राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं युवती भवन झरोखन लागी निरख ही राम रूप अनुरागी। अपने अपने भवन के झरोखों से झांक रहे, दर्शन का आनंद तो है। इसका अभिप्राय कि जनकपुर के जो मर्यादा में भवन थे वो झरोखे से रहित नहीं थे। अत्यधिक मर्यादा जब जीवन में आ जाती है तो झरोखे बंद हो जाते, पर इतना कारागार हो जाता है, कारागार में तो खिड़की रखने की आवश्यकता ही नहीं है, पर भवन में तो झरोखा होनी चाहिए। तो जनकपुर के भवनों में झरोखा है, मर्यादा का भवन है, और जो जनकपुर वासिनी स्त्रियां हैं वो ज्योति भवन झरोखन लागी और निरख ही राम रूप अनुरागी। और उस समय उनका जो वार्तालाप है वो बड़ा दिव्य है, पर वहां का जो दर्शन है और इस वाटिका का जो दर्शन है उसमें तो बहुत अंतर है। तो उसका आनंद होते हुए भी इस वाटिका में जिस दिव्य रस का अनुभव प्रभु को हुआ, श्री किशोरी जी को हुआ, सखियों को हुआ, वह तो अन्य तो दुर्लभ है। और इसका सीधा साधा तात्पर्य यह है कि आप संत समाज में जाएं, संतों के बीच में बैठें, संतों के रंग में रंगें, और उस समय आपको जो अनुभव होगा वही अनुभव आपको अन्यत्र उतना दिव्य प्रतीत नहीं होगा। इसलिए वह गोस्वामी जी चुनाव करते हैं, नहीं नहीं बाग ही होना चाहिए, और बाग में भी ऐसा कि जहां पर बारहों महीना बसंत है, संतों के पास जाएं, श्रद्धा लेकर के जाएं। और श्री किशोरी जी जब सखियों को लेकर के आईं तो उन्होंने पहला काम क्या किया, बोले मज्जन करी सर सखिन समेता। सखियों के साथ श्री सीता जी आई और उन्होंने सरोवर में स्नान किया। अब ध्यान दें, पूरा बाग है और उसके बीच में पार्वती जी का मंदिर है, और पार्वती जी के मंदिर के बगल में ही दिव्य सरोवर है। अब संत समाज तो बाग है और ये जो बीच में सरोवर है ये क्या है, वो इसका उत्तर मिलेगा आपको आरण्यकांड में। बोले बांधे घाट मनोहर चारी संत हृदय जस निर्मल बारी। वही निर्मलता की साधना, जा शुक्रबाल निर्मल मति पाऊं। तो श्री किशोरी जी तो अपनी कृपा से
दूसरों को निर्मल मत देने में समर्थ है, पर जीव को शिक्षा देती है कि केवल संतों के समाज में श्रद्धा लेकर के ही नहीं जाना है, अपितु पूर्ण संतों का लाभ तो तब होगा कि जब हम उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाए, संत के पास पहुंच गए। पर ये मानो सरोवर क्या है, संत का यही हृदय, संत हृदय जस निर्मल बारी, जैसे वह सरोवर ऐसा प्रतीत होता है कि संतों का हृदय जैसे निर्मल होता है। और उसका अभिप्राय यह है कि उस वाटिका में जाने के बाद सरोवर में स्नान करना चाहिए। और वहां गोस्वामी जी ने लिखा, मज्जन करी सर सखिन समेता, मानो साधना का क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। और गई मुदित मन गौरी निकेता, अब वे जाती हैं देवी पार्वती जी के मंदिर में। और ये पार्वती जी जो हैं वो आप सब परिचित ही हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, साक्षात श्रद्धा का ये मंदिर है। समय भाव से मुझे तो भागते ही जाना पड़ेगा, वो सबकी व्याख्या, श्रद्धा के भी दो रूप, एक साधक की श्रद्धा और एक सिद्ध श्रद्धा। तो साधक की श्रद्धा वसंत ऋतु के रूप में, और जो दिव्य समग्र श्रद्धा है वो पार्वती है। अब जो है समग्र श्रद्धा का जो दिव्य मंदिर है वहां प्रवेश हुआ और वहां पूजन हुआ। पूजन क्या है, बोले पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजन भगवान को, पूजन की क्या प्रक्रिया है, किन वस्तुओं से पूजा की जानी चाहिए। शास्त्रों में बड़ा सुंदर विधान है, पंचोपचार है, दसोपचार है, षोडशोपचार है, अनेक अनेक उपचार है। पूछा गया श्री सीता जी ने किन किन वस्तुओं से पार्वती जी की पूजा की, गोस्वामी जी ने कहा वस्तुओं का नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं, वहां तो कोई विद्वान आचार्य मंत्र बोल करके पूजा कराने वाले नहीं, तब पूजन कैसे हुआ। पूजा कीन अधिक अनुरागा, बस मुख्य वस्तु है, वस्तु क्या क्या है महत्व इसका नहीं है, अनुराग हृदय में है कि नहीं। क्यों, रामायण में स्पष्ट आगे चल करके कह दिया गया, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, ये कोट जप जोग विरागा। मानो श्रद्धा, और श्रद्धा और उसके साथ साथ अनुराग, और उसी समय एक सखी हुआ है जो पूजा में सम्मिलित नहीं थी, वह वाटिका में गई थी। मानो गोस्वामी जी ने सावधान कर दिया, साधना के क्रम का वर्णन तो है और जिन्होंने पूजा की उन्हें दर्शन तो हुआ, पर सबसे पहले उस सखी को दर्शन हुआ जो पूजन में सम्मिलित नहीं थी अपितु वाटिका में गई हुई थी। इसका क्या अर्थ हुआ, मानो साधना के साथ एक बहुत बड़ा भय, जो जो साधना और सत्कर्म करते हैं उनमें एक सात्विक अभिमान आए बिना नहीं रहता कि मुझमें इतनी साधना है, तो मानो इस प्रसंग में उसका निराकरण कर दिया गया। साधना करते हुए भी ये न मान लीजिए कि ईश्वर आपको ही पहले मिल जाएगा, क्या पता पूजा करने वालों से पहले न पूजा करने वाले से मिल जाए, ये उसकी मौज पर निर्भर है। ईश्वर किसी नियम की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, और वह मानो जिसको जिसकी चर्चा कल आप सुन रहे थे, कृपा। अब उस सखी को जो श्रीराम का दर्शन हो गया, का वो तो क्रमिक दर्शन नहीं है, वो स्वामी जी का दोनों ही पक्ष चल रहा है, एक ओर साधना का पक्ष और दूसरी ओर कृपा का पक्ष। और उसके बाद वो सखी जो है श्री राम का दर्शन करती है, और सचमुच जो फल होना चाहिए वो तो उसे प्रत्यक्ष मिल गया। जिस समय उसने दर्शन किया, उसके आंखों में अनवरत आंसू, शरीर में रोमांच, भाव विह्वल, पर वो अपने ही आनंद में नहीं डूब गई। वहां आई जहां पर श्री सीता जी सखियों के साथ पूजन कर रही थी। जब सखियों ने उसकी दशा को देखा, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन, उसकी आंखों में आंसू है, शरीर में रोमांच है, तो सभी पूछने लगी
कहु कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदु बहन। क्या तुम्हें ऐसा मिल गया है कि तुम इस प्रकार से आनंदित हो रही हो। भक्तों ने आंसू को दोनों ही अर्थों में लिया। भक्त विरह में भी आंसू बहाता है और संयोग में भी आंसू बहाता है। विरह में आंसू क्यों बहाता है तो बीतौली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि भाई अगर आपके पास कोई बर्तन हो और बर्तन में कोई साधारण जल भरा हुआ है और कोई अमृत लेकर के आवे तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं हमारा तो बर्तन भरा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको फेंकेगा और उसमें वो अमृत ले लेगा। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में बड़ी भावमयी कविता किया कि ये जो नेत्र है वो मानो कलसी और कलसी में आंसू का खारा जल भरा हुआ, सबके आंखों में वो भीतर आंसू है। अगर वियोग में क्यों रोना चाहिए, दर्शन करने के लिए जाते हुए क्यों रोना चाहिए तो गीतावली रामायण में वो समझी ने लिखा सांवर रूप सुधा भरिबे कह नयन कमल कल कलश रितौरी। अरे श्याम सुंदर की रूप सुधा को धारण करने के लिए नेत्र की कलसी को खाली तो करो। आंसू वहां माने नेत्र की कलसी से आंसू निकाल करके उस रूप सुधा को लेने के लिए रिक्तता लाई गई तो ठीक है। इसलिए अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आंसू स्वाभाविक, पर ये तो दर्शन के लिए नहीं जा रही है, दर्शन से लौट करके आ रही है, अब आंसू की क्या आवश्यकता है। और तब भक्त ये कहते हैं कि ठीक खारा आंसू था निकाल करके उसमें श्री राघव की रूप सुधा को भर लिया गया, लेकिन अब जो आंसू बह रहे हैं उसका अभिप्राय क्या। बोले रस अधिक हो और बर्तन छोटा हो तो छलके बिना कैसे रहेगा। तो मानो इस रूप सुधा को नेत्र में धारण करके जो आज आंसू बह रहे हैं वो तो सौंदर्य का अमृत ही छलक रहा। इसीलिए सखियां स्पष्ट कहती हैं तुम्हारा आंसू दुख वाला आंसू तो नहीं। कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बहन। और तो वो सखी कथावाचक तो अलग अलग पद्धति वाले होते हैं, रामायण में तो अनेक अनेक उत्कृष्ट कथावाचक, पर इस सखी की कथा जितनी अनोखी थी, जितनी संक्षिप्त पर उतनी जितनी संक्षिप्त उतनी गंभीर। उसने प्रारंभ किया भूमिका में देखन बाग कुंवर दुई आए, बड़ा साधारण सा वर्णन, दो राजकुमार वाटिका में आए हुए, बै किशोर सब भांति सुहाए, दोनों किशोरावस्था के हैं और बड़े सुंदर हैं। अरे इसी का वर्णन करके इतना आगे क्या ऐसा तुमने इसमें, राजकुमार भी तो अनेक आए हुए हैं, श्याम गौर होना भी कोई आश्चर्य नहीं। पर सखी ने कहा आगे तो कुछ बताओ। उसने कहा श्याम गौर, एक श्याम है और एक गौर, आगे बस कथा यही रोक दी गई। अब कोई कथा कहने लगे दो वाक्य के बाद कथा समाप्त कर दे तो श्रोता को तो बड़ी निराशा होगी। पर सचमुच इस सखी ने उस छोटे से वाक्य में जितना कह दिया वह तो न जाने कितने युगों तक की कथा में नहीं कहा जा सकता। उसने यही कहा श्याम गौर किम कहूं बखानी, आगे कुछ नहीं। वर्णन क्यों नहीं कर रही हो, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, वाणी के द्वारा वर्णन किया जाता है, नेत्र के द्वारा देखा जाता है। जिसने देखा उसके पास जिह्वा नहीं है तो बता नहीं सकते, और जो बता सकती है उसने देखा नहीं तो मैं कैसे बताऊं। वाक्य छोटा सा है पर जरा गहराई में विचार करके देखिए, संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने यही समस्या है। हम और आप नेत्र से देखते हैं और युवा से वर्णन करते हैं, पर जब सखी ये कहती है तो उसने क्या नहीं कह दिया। अगर ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वाणी के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता, तो मानो मौन वर्णन करते करते भी अंत में तो प्रत्येक वक्ता को मौन ही हो जाना पड़ता है, क्योंकि वो वर्णन की सीमा से परे। तो अनिर्वचनीयता का भी संकेत दिया गया है।
पर उसको दूसरे संदर्भ में देखें तो इसका अभिप्राय वर्णन की पद्धति क्या है। पद्धति वर्णन की यही है, नेत्र से देख। अब वो जो मस्तिष्क का निर्माण हुआ है, नेत्र और मन ने, मन और नेत्र दोनों न हो तो दिखाई नहीं देगा। पहले नेत्र ने देखा, मन ने उसका रस लिया। अब अगर उसका वर्णन करें तो मन जो है वो बुद्धि तक पहुंचा देगा, क्योंकि बोलने के लिए भाषा और उसके लिए कैसे शब्द हों प्रयोग, उसका अभिप्राय। तो नेत्र से मन में, मन से बुद्धि में और बुद्धि से फिर वाणी में, इस तरह से वर्णन होता है। सखी ने जब कहा कि मैं कैसे वर्णन करूं, तो सखी ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या? बोले नेत्र से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से कि दर्शन के बाद मन तो वहीं रह गया, तो बीच में सुनाने वाला रह ही नहीं गया, बताने वाला रह नहीं गया, तो वर्णन कैसे हो। यही तो जो दर्शन करता है, गोस्वामी जी यही कहते हैं कि जब प्रभु का दर्शन होता है तो प्रभु कभी कभी तो आग्रह करते हैं, गांव वासी वन की यात्रा में साथ में लेते चलिए। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, आप तो अपने घरों में लौट जाइए। किसी ने कहा रे प्रभु इतने निष्ठुर हो गए कि वे साथ में जाना चाहते थे और नहीं ले गए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं ले गए, शरीर तो लौटा दिया किंतु फेरे सब प्रिय वचन कहे, लेकिन लिए लाई मन साथ, शरीर उनका छोड़ दिया और मन लेते गए। सखी ने मनो संकेत ये कर दिया कि उनका सौंदर्य ऐसा है कि वो तो वस्तुतः मन वहीं रह जाता है, फिर मन उस स्थिति में नहीं रहता। और सांसारिक अर्थ यूं कह ले कि सांसारिक वस्तुएं अपूर्ण है, तो ठीक है, नेत्र भी अपूर्ण है, वाणी भी अपूर्ण है, वर्णन भी अपूर्ण है, इसलिए ये इस साजबाज से तो व्यक्ति वर्णन कर सकता है, पर ये जो पूर्ण है उसका वर्णन अपूर्ण वाणी भी नहीं कर सकती, अपूर्ण दृष्टि भी नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ सखी सावधान भी है, कथा का उद्देश्य क्या है। कथा स्वयं एक दृष्टि से साध्य भी रूप में माना जाता है, पर कथा का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जीव के अंतःकरण में कथा सुनकर के उत्कंठा जागृत हो, कि जिनका हम वर्णन सुन रहे हैं उनको हम देखें कि वो कैसे, जिसके विषय में हम सुन रहे हैं उससे हम मिले। उत्कंठा जागृत होना ही तो कथा का सबसे बड़ा फल है। अब ये तो भाई अपनी अपनी है, जीवन भर सुनते रहे और उत्कंठा जागृत न हो, ऐसे भी श्रोता मिलते ही रहते हैं, और थोड़े से वाक्य में इतनी उत्कंठा जागृत हो जाए तो ये तो अपनी अधिकार भेद की बात है। यहां पर बिना विस्तार के भी इतना कह दिया गया और ऐसी अनोखी पद्धति से कह दिया गया। सखी ने समाप्त कर दिया कथा, श्याम गौर किमि कहूं बखानी। व्यवहारिक तात्पर्य यह था कि कथा सुनाने में इतना विलंब न हो जाए कि जिनका दर्शन करना है वो चले जाए। उद्देश्य पर दृष्टि है और इसलिए वो भी पक्ष ठीक है, और यहां तो उतने में ही फल जो चाहती थी, साधना का जो फल है, सत्संग में जाए, श्रद्धा लेकर के जाए, संत के हृदय में निर्मल हो और उसके पश्चात अनुराग भरे अंतःकरण से श्रद्धा की आराधना करें और तब कथा श्रवण करें। और कथा श्रवण करने का फल क्या होना चाहिए, वही वहां हुआ। जिस समय उस सखी ने सुनाया तो स्वामी जी ने तास वचन अति सिंह सुहाने, दरस लाग लोचन अपुलाने। व्याकुलता उत्पन्न हो गई, मैं उनका दर्शन करूं, पर एक फिर वही मर्यादा और संकोच का प्रश्न। अब अभी तो धनुष नहीं टूटा है, का उसके पहले क्या दर्शन के लिए जाना मर्यादा के अनुकूल है। मानो हृदय में एक ओर प्रीति और दूसरी ओर जीवन में मर्यादा है, और यही पक्ष भी ठीक है। व्यवहार में तो मर्यादा का ही महत्व है, पर हृदय में तो प्रेम ही सब कुछ है, और यहां दोनों का सामंजस्य है। सखी सीता जी के सामने प्रश्न ये है कि क्या जाना उचित है, क्या
बोल नहीं पाती, पर सखियां जैसी सखियां सीता जी की होनी चाहिए वैसी ही है। कब तो ये संग साथ का बड़ा महत्व। अब कई व्यक्ति तो ऐसा आतंक उत्पन्न कर देते हैं हर वस्तु का कि किसी का भाव भी हो तो सूख जाए, इतनी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। और कुछ लोग जैसा कि सखी ने, ऐसी भी सखियां हो सकती थी कि कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मां सुन लेंगी तो क्या कहेंगी, पिताजी को कैसा लगेगा, अनर्थ हो जाएगा। पर सौभाग्य है कि सखियां तो सीता जी की हैं और वो उनका भाव भी बड़ा सुंदर है। सीता जी के हृदय में भावना है पर बोल नहीं पाती, और तब एक सखी ने तुरंत उस भावना को गति देने के लिए कहा, एक सुना एक कहा, नृप सुत थे आली, सुने जे मुनि संग आए काली। सखी ये वही राजकुमार हैं कि जो विश्वामित्र जी के साथ आए। कितनी बढ़िया ढंग से बात कह दी गई। बोले इनके दर्शन करने में कोई आपत्ति हो सकती है? क्यों? बोले बड़े बड़े महामुनि जिनको साथ लेके चले, तो मुनियों का दर्शन करने जाए तो क्या उनका दर्शन व्यक्ति नहीं करेगा? अरे नहीं नहीं, जब विश्वामित्र जैसा मुनि और वो साथ में लेकर के आया है तो फिर दर्शन न करने का नहीं तो करनी चाहिए। एक एक वाक्य सुना जे मुनि संग आए काली, कोई कह सकता है? अब वो तो ठीक है, लेकिन समाज में लोग क्या कहेंगे? ये लोग क्या कहेंगे एक बड़ी समस्या होती है समाज में। उस सखी ने उसको भी काट दिया। उसने कहा तुम जानती हो ये विश्वामित्र के साथ आए हुए और जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे उ स्वबस नगर नर नारी। सारे जन मिथिला वासी अपने बस में थोड़ी, इन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके अपने बस में कर दिया। तो जब सभी बस में है तो हम लोगों की आलोचना कौन करे? हम लोगों से पहले ही स्वबस हो चुके। और अगर इसको मिथिला के, ये तो अयोध्या के पक्ष की भावना है, और मिथिला के भक्त तो यही कहते हैं कि मानो सखियों का संकेत यह है कि ये नगर तो आपका, और यहां आकर के रूप की मोहिनी को डाल करके इन्होंने सबको वश में कर लिया, तो ये तो बड़ा अन्याय हुआ। नगर आपका और मोहिनी डाल करके इन्होंने वश में कर दिया। और इसका उत्तर यही है कि सबको वश में करने वाले को आप वश में कर रहे तो उत्तर ठीक हो जाएगा। आपके सौंदर्य को देख करके जब ये सम्मोहित होंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने उसका पूरा निर्वाह बड़ा विलक्षण ढंग से उन्होंने कहा, संकेत ये कि नहीं अवश्य देखिए चलना ही चाहिए। और तब गोस्वामी जी ने फिर वही सामंजस्य, प्रसन्नता हो गई, सभी उस भाव का समर्थन कर रहे हैं। पर आगे कौन चले? अभी तक तो सीता जी ही आगे चलती थी, लेकिन अब चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। जिस सखी ने दर्शन किया है, श्री सीता जी ने कहा पहले तुम ही आगे चलोगे। नया क्रम बदल गया। क्यों? बोले पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए ही राम के नाते। उनका सखी आज तो तुम ही बड़ी हो, दर्शन तो तुमने पहले किया, और तुमने किया तो तुम ही अब हमें दर्शन कराओगी। मानो वह सखी आगे। एक और तो श्री सीता जी की विनम्रता है, जिसने दर्शन किया है उसको गौरव दिया गया, उसको महत्व दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने एक वाक्य और जोड़ दिया, उस सखी को आगे क्यों कर दिया? वहां पर एक सूत्र गोस्वामी जी ने दिया कि श्री सीता जी क्या सचमुच पहली बार श्री राम को देखने जा रही हैं क्या? कथा सुनकर के उत्कंठा और व्याकुलता, दूसरों के दो हैं ही नहीं और दो भी हैं तो परस्पर अनुराग में सराबोर है। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी ने जानबूझकर के सखी को आगे कर दिया। क्यों? मैं आगे चलूंगी तो जानती हैं कि कहां है, और मैं वहां जाऊं तो सखियां पूछ सकती हैं कि आपको कैसे पता था कि यहां पर है।
तो पता चल जाएगा, इसलिए क्या किया? बोले चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, क्यों? बोले प्रीति पुरातन लखई न कोई, हम दोनों के पुराने प्रेम को कोई जान न जाए। मैं तो जानती नहीं कौन राजकुमार हैं, और सखी तुमने ही तो देखा है, तुम ही तो पता है कि वो कहां है, और उसके पीछे चल करके वो पुरातन प्रेम को पूछा गया है, नया प्रेम है कि पुराना प्रेम? और गोस्वामी ने तुरंत कहा, सुमेरी सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद जी के वाक्यों का स्मरण करके प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रीति पुरातन। मानो सूत्र दे दिया गया, प्रेम नया अच्छा कि पुराना अच्छा? और उसका उत्तर यही है कि नई वस्तु में आनंद तो बहुत आता है, रस तो नए में आता है, लेकिन चिंता बनी रहती है टिकेगा कि नहीं टिकेगा। और पुराने में स्थायित्व तो है कि हाँ नहीं, ये वस्तु तो स्थिर है, लेकिन रस की कमी रह जाती है। इसलिए मानो प्रेम की व्याख्या कर दी गई। बोले प्रेम वह है कि निरंतर पुरातन होते हुए जो नित्य नूतन होता ही जाए, और इस दिव्य प्रेम के माध्यम से व्याकुलता पूर्वक प्रभु का अन्वेषण, और अन्वेषण में भी व्याकुलता भगवान राम दिखाई ही नहीं दे रहे। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कहां गए नृप किशोर मन चिंता चिंता, जहां विलोक मृग शावक नैनी, जनुत बरस कमल सत्र श्रेणी। फिर अत्यंत व्याकुलता, और तब सखी दिखाती है, इतने अपरिचित बन गए कि सीता जी तो खोज ही नहीं पाई। वो तो सखी ने कहा वो देख नहीं रही है, वो लता की ओट में कौन है? लता ओट तब सखी ने लिखाई। मानो साधना का एक क्रम है जो साधक के अंतःकरण में, साधना के उस पथ की ओर संकेत करता है जहां जगत जननी व्यक्ति को साधन पक्ष का निर्देश दे रही है, भगवत प्राप्ति का पथ क्या है। और उसके साथ साथ मर्यादा का प्रक्षण यह है कि दिव्य अनुराग होते हुए भी परस्पर रंच मात्र वाणी का विनिमय नहीं, वार्तालाप नहीं है। श्री सीता जी और श्री राम का मिलन हुआ कि नहीं हुआ वाटिका में? यूं देखें तो मिलन का तो प्रश्न ही क्या, वो तो बातचीत भी एक दूसरे से शब्द बोले भी नहीं, तो ये तो मर्यादा हो गई। पर दूसरी ओर गोस्वामी जी ने कहा मिलन भी ऐसा हो गया जैसा पहले बाद में भी कभी नहीं हुआ होगा। क्या का दिखाई दिया, दर्शन किया, लौटना पड़ा, पर मिलन हुआ कि नहीं? मर्यादा तो इतनी है कि श्री सीता जी लौटी, फिर ही अपन पौ पितु बस जाने, मैं तो पुत्री हूं, पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति होने पर ही तो मुझे अधिकार है, तो ये तो मर्यादा का पक्ष हुआ। पर ये तो बहिरंग जगत में, अंतर जगत में क्या हो रहा है? श्री राम को देखा, बातचीत नहीं हो रही, पर गोस्वामी जी ने कहा श्री सीता जी मन ही मन श्री राम को निमंत्रण दे रहे, निमंत्रण ही नहीं दिया, श्री राम उस निमंत्रण को स्वीकार करके आए। किस मार्ग से ले गई? बोले लोचन मग राम ही उर आई, नेत्र के मार्ग से हृदय मंदिर में ले आई। और उसके बाद तो गोस्वामी जी ने श्रृंगार और भाव की पराकाष्ठा कर दिया। आप किसी अतिथि को ले आते हैं, आप घर में ले आते हैं, तो उसके बाद उसका स्वागत करते हैं, भोजन कराते हैं और उसके लिए प्रबंध करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा एक व्यक्ति ने भी नहीं, सखियों ने भी नहीं देखा कि दोनों ने परस्पर बात किया, पर लोचन के मार्ग से हृदय मंदिर में आ गए। उत्कंठा हो गई सुनने वाले के मन में, जब वो हृदय मंदिर में ले आई तो फिर कैसे कैसे उन्होंने श्री राघव का पूजन किया, सत्कार किया, मिलन। गोस्वामी ने कहा आगे की बात मुझे नहीं पता। क्यों? बोले लोचन मगर राम ही उरियानी और दीन है पलक कपाट सयानी। अब पलकों का किवाड़ बंद हुआ, भीतर क्या हुआ है हमें क्या पता। ऐसा पूर्ण मिलन और ऐसी मर्यादा की एक शब्द बोले बिना लौट आना, अद्भुत है ये प्रसंग। ये जनक सुता भी है, जग जननी भी है, और अतिशय प्रिय करुणानिधान की भी है।
इसके बाद की चर्चा कर। बोलिए श्याम।